ओके गाइस, क्या हाल चाल है? सब कुछ बढ़िया? मैं भी बढ़िया यार। मैंने यार देखा, आप सबने पिछली वीडियो में काफ़ी सारा कमेंट किया और काफ़ी सारे लोगों ने कहा, रिक्वेस्ट किया कि यार फोटो एडिटिंग के बारे में बताओ तो जरूर, लेकिन एडोबी से हम कैसे एडिटिंग करेंगे, लाइटरूम से कैसे एडिटिंग करेंगे अपने फोटो को प्रोफेशनल, जो मोबाइल का फोटो है उसे हम DSLR के फोटो में कैसे बदल पाएंगे, फोटो का लाइट एडजस्टमेंट और वो भी शॉर्टकट में, बेस्ट तरीका बताइए। तो हाँ, ये वीडियो आज रेडी है और मैं आप सबके लिए आज मैं अब बताने जा रहा हूँ आपको कि कैसे फोटो के लाइट को एडजस्ट कर सकते हैं और अपने फोटो को एक DSLR से भी थोड़ा खतरनाक टाइप का बना सकते हो मोबाइल के फोटो को। तो चलो यार, चलते हैं वीडियो की ओर। लेकिन उससे पहले यार, इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप इस वीडियो को शेयर कर दोगे तो यार सोचो कितने सारे लोग इस बारे में जान पाएंगे, तो इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलना यार। तो या वीडियो के नीचे कमेंट कर देना बेस्ट फोटो एडिटिंग ट्रिक या फिर बेस्ट लाइटरूम ट्रिक, व्हाटएवर, जो भी आपको अच्छा लगे जरूर कमेंट कर दें। तो चलो यार, वक्त हमने काफ़ी आपका ले लिया, चलते हैं ट्रिक की ओर। तो सबसे पहले जो हमारा फोटो है उस पर हम जाएंगे गैलरी, ये है हमारा और ये हमारा फोटो है आज का, और इसे हम एडिट करेंगे, लाइट वगैरह एडजस्ट करेंगे, काफ़ी इसे बेहतर बनाएंगे, क्योंकि आप देखिए फोटो तो काफ़ी अच्छा है लिया गया काफ़ी अच्छे तरीके से, लेकिन यहाँ पे देखिए लाइट एडजस्टमेंट की कमी है। सबसे पहले हमें अपने फ़ोन में एडोबी लाइट रूम चाहिए होगा। एडोबी लाइट रूम बहुत बड़ा कंपनी है यार सॉफ्टवेयर का, तो इसका मैं डाउनलोड लिंक, वैसे फुल वर्जन का ये पैसे में मिलते हैं, फ्री में नहीं, तो इसका मैं डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है, आप फ्री में डाउनलोड कर लेना। उसके बाद हम चलेंगे फोटो की ओर। इंस्टॉल कर लेने के बाद ये फोटो जो है हमारा, हम इसे शेयर करेंगे। ये देखिए कॉर्नर में शेयर का बटन है, शेयर, इसे ओपन करेंगे एडोबी लाइट रूम से। तो लाइट रूम मेरे भाई, ये है लाइट रूम, लाइट रूम हमने सिलेक्ट कर दिया और ये फोटो ऐड हो चुका है। ऐड होने के बाद नोटिफिकेशन आपको आ जाता है कि हाँ लाइट रूम में ऐड हो चुका है। ओपन करेंगे, ऑल फोटो है यहाँ पे, ऑल फोटो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखिए फोटो हमारा आ गया, और ये देखो यार सब कुछ परफेक्ट है हमारा। अब ये आ जाने के बाद हम यहाँ पे कुछ आपको दिखाते हैं करके, जैसे देखिए यहाँ पे लाइट इफेक्ट कलर, ये दोनों है यहाँ पे। सबसे पहले हम लाइट पे जाएंगे, लाइट पे क्लिक करो यार, और यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपोजर हाई कर दो यार, हाई, या आई थिंक नाउ इट्स लुक गुड। ये देखो थोड़ा मैं पता चल रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे हम और भी एडजस्टमेंट करेंगे बहुत सारे। आजा भाई, आजा, आई थिंक ये अब सही है, ये लगभग सही है। और हम यहाँ पे चलेंगे अगले सेटिंग की ओर। अगला सेटिंग भी हमारा उसी के साइड में है, कलर टेम्परेचर टाइप का लोगो आपको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर देखो मिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, हम मिक्स पर जाएंगे, स्काई का कलर ब्लू है, ठीक है, हम इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, सो ये भी ध्यान रखो, ये हमारा ब्लू कलर है स्काई का। यहाँ पे हम कलर पे सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें ब्लू कलर बनाना है, तो इसलिए हमने ब्लू पे सिलेक्ट किया। सो सैचुरेशन हाई, या सैचुरेशन को हमने हाई किया, ये देख लो मिडल में है, ये हमने हाई किया और फोटो अब देखो ऐसा लग रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ये थोड़ा इस टाइप का जो कलर है इसे भी हम बढ़ा देंगे, आई थिंक नाउ इट्स लुक गुड। और ये देख लो, हाँ अब ये सही लग रहा है। और ये इसी तरीके से आपके फोटो में जो भी कलर टेम्परेचर होता है आपको उसे बढ़ा देना है। यहाँ पर देखो सब कुछ तो सही है, लेकिन मैं अपनी आंखों से जो यहाँ देख पा रहा हूँ, मेरे हाथ का जो कलर है ना रेड, वो मुझे ज़्यादा लाल दिखाई दे रहा है, तो ये ओरिजिनल नहीं लग रहा है। तो हम उस लाल को थोड़ा कम करेंगे, लाल हमने सेलेक्ट कर दिया, रेड कलर, उसे सैचुरेशन को डाउन करेंगे थोड़ा, और इससे नहीं हो रहा है, ये रेड से शायद होगा, या आई थिंक नाउ इट्स लुक गुड। अब ये मुझे लग रहा है सही टाइप का। और देखो यार, यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लेने के बाद, हमने यहाँ तो कर लिया काफ़ी बेहतर, काफ़ी अच्छा, लेकिन यहाँ से हम यहाँ पे शेयर करेंगे इसे। शेयर कर देने के बाद ये देखो स्नैपसीड है, स्नैपसीड पे हमें जाना है, स्नैपसीड ओपन हो गया, स्नैपसीड ओपन होने के बाद टूल पे क्लिक कर देने के बाद सिलेक्टिव है यहाँ पे, सिलेक्टिव पे हमने क्लिक कर दिया। और अब ये जो है ना, थोड़ा हम इस कलर को थोड़ा बढ़ाएंगे अपने शर्ट का, थोड़ा वाइब्रेंट हम करेंगे खुद को,
तो आजा भाई या, अब ये मुझे सही लग रहा है। थोड़ा ब्लू कलर को भी इंक्रीज करेंगे। हाँ तो ये देखो, जो कलर हमें बढ़ाना होता है हम इस प्लस पे क्लिक करके हम उसे सिलेक्ट कर देते हैं, पॉइंट करते हैं। ये देखो जैसे कि मैं ऐसे पॉइंट मैंने कर दिया और अब ये देख सकते हो यार काफ़ी बेहतर लग रहा है और अमेजिंग लग रहा है। थोड़ा और ये पॉइंट लेके एक बार इसे भी बढ़ा देते हैं। ये देख लो यार काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ये कर देने के बाद आपको ये फोटो सेव कर देनी है, डन। और ये डन कर देने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हो वो जो फोटो हमारा पहले था और अभी जो फोटो है उसमें डिफरेंस। तो ऐसे ही आप अपने फोटो को काफ़ी बेहतर बना सकते हो। हमारा ऐसा फोटो था जिसमें कि हम ज़्यादा पता नहीं चल रहे थे, हाईलाइट नहीं हो पा रहे थे, बट नाउ यू कैन सी हियर ब्रदर कि पूरा डिफरेंस आ चुका है। यहाँ पे सब हाईलाइट हो चुका है, काफ़ी अच्छा लग रहा है स्काई एंड एवरीथिंग। और यहाँ पे हमने मेंटेन वगैरह बहुत अच्छा किया कलर को। तो इस तरह से आप भी अपने फ़ोटो को काफ़ी बेहतर बना सकते हैं और सबके साथ शेयर भी कर सकते हैं। और देखिए ये कलर टेम्परेचर जो है वो थोड़ा ब्लू टाइप का है। अगर आपको रेड कलर टेम्परेचर पसंद है तो इसे फिर से लाइट रूम में ओपन करना है आपको। लाइट रूम में ओपन करने के बाद ये देखो टेम्परेचर, कलर टेम्परेचर को रेडिश थोड़ा कर देना है। या ना आई थिंक इट्स लुक गुड। हाँ तो आप ऐसा बना सकते हो, अगर आपको ब्लू थोड़ा नहीं पसंद है तो ऐसा बना सकते हो। मतलब आपको फुल्ली कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। और आप भी अपने फोटो को काफ़ी बेहतर बना सकते हो इस लाइट रूम की मदद से। इसका फुल वर्जन का डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।